नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सबका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में और मैं हूं आपके साथ जानवी प्रियदर्शनी। देखिए, हम सब एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसने हमारे लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। अब बच्चे रहे या बूढ़े रहे, सभी स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जितना बेनिफिट हुआ, साथ साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे आई विजन पे पड़ता है। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और चश्मा चढ़ जाता है आंखों पर। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चश्मा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो आज मेरा ये सवाल है कि क्या कुछ ऐसा अल्टरनेटिव है जो हम चश्मा के बजाय जैसे ऑप्ट कर सकते हैं? अगर हमें चश्मा पहनना पसंद नहीं है तो क्या कुछ और तकनीक के जरिए हम चश्मे को रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। लासिक सर्जरी के बदौलत हमेशा के लिए चश्मे को हटाया जा सकता है। लासिक अब केवल एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, बल्कि ये ऐसे युवाओं के लिए एक वरदान है जो पारा मिलिट्री, मरीन लाइन या लोको पायलट में नौकरी की चाह रखते हैं। ये ऐसे प्रोफेशन है जहां बिना चश्मे के 6x6 विजन चाहिए होता है। तो ऐसे प्रोफेशन में मेडिकल क्लियर करने के लिए चश्मा हटाने की लेजर तकनीक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। हालांकि लासिक सर्जरी करवाने वालों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, कॉर्निया की मोटाई सामान्य होनी चाहिए, मरीज गर्भवती ना हो, सर्जरी से 1 महीने पहले कॉन्टैक्ट लेंस को छोड़ देना चाहिए, जटिल आंखों की बीमारियां नहीं होनी चाहिए। दरअसल मेडिकल साइंस में कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे चश्मे को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे कॉन्टोरा लासिक, स्मार्ट लासिक, सिल्क और ऐसी कई सारी और तकनीक है। सबसे पहले चश्मे को रिप्लेस करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो है क्यू लासिक, फिर ज़ियोप्टिक्स और सबसे ज्यादा 2016 में पॉपुलर हुआ कॉन्टोरा विजन। तो आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जो झारखंड की मशहूर रिफ्रैक्टिव सर्जन है और 20 साल से रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर रही है, डॉक्टर भारती कश्यप से। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभात खबर पे। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि कॉन्टोरा लासिक में और स्मार्ट लासिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, स्मार्ट पल्स लेजर तकनीक पर आधारित स्मार्ट सर्फ एवं स्मार्ट लासिक आज के समय में सबसे ज़्यादा एडवांस चश्मा हटाने का लेज़र करने का तरीका है। इसमें 500 हर्ट्ज़, 750 हर्ट्ज़ एवं 1050 हर्ट्ज़ की जो स्पीड दर है उपलब्ध है और इसकी वजह से यह वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फास्ट चश्मा हटाने का लेज़र है। स्टैटिक एवं डायनेमिक सैक्रोटॉर्शन कंट्रोल के साथ श्वाइन एमेरिस मशीन पर लेजर सतह उपचार यानी स्मार्ट सरफेस एवं स्मार्ट लासिक पारंपरिक जो लेजर उपचार होते हैं उनसे बहुत अलग है, क्योंकि इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा इमेजेस आँख की कैप्चर करने की कैपेसिटी है, जिससे आँख में जितनी भी इरेगुलरिटीज़ होती है, इसमें जितने भी एबरेजेंस होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और पहले से बहुत अच्छी क्वालिटी, कंट्रास्ट एवं हाई डेफिनेशन विजन होती है। कॉर्निया एकदम स्मूथ हो जाती है और इसमें जो गड्ढे होते हैं वो भी हट जाते हैं और कई केसेस में तो 6x5 विजन हो जाती है, यानी नॉर्मल से भी बेहतर, यानी कि सुपर विजन। कॉर्निया की सतह की स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट से रिमॉडलिंग की जाती है। देखिए, इसका जो रिमॉडलिंग होती है ना, इसमें 80% जो भाग है वो बहुत तेज गति से हटा दिया जाता है। इसके बाद एक सॉफ्ट लेज़र 250 हर्ट्ज़ की, उससे काफ़ी 20% को हटाया जाता है। इस प्रकार एक विशेष रूप से चिकनी सतह का निर्माण कॉर्निया की होती है। तो ऐसा आपको समझना है कि कंटूरा लासिक और स्मार्ट लासिक दोनों में ही कॉर्निया की इरेगुलरिटी को हम ट्रीट करते हैं और विजुअल एक्सिस पर काम करते हैं, लेकिन कॉन्टूरा लासिक में जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सब मैनुअल होती है। 2 पेज की कैलकुलेशन होती है जिसे या तो हमें हाथ से करना होता है या कैलकुलेटर से करना होता है। वहीं श्वाइन एमेरिस मशीन फुली ऑटोमेटेड है और सब कुछ ऑटोमेटिकली ही होता है, इसमें मशीन से होता है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन एरर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मैम, एक सवाल जो है जो मेरे दिमाग में अक्सर चलता है वो मेरा आपसे ये रहेगा कि जब लेज़र सर्जरी होती है, जब लेज़र ट्रीटमेंट होता है, तब उस वक्त हम आँखों में इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है।
तो अगर ऐसे केस में पेशेंट की आंखें थोड़ी सी भी हिल जाती है तो पूरा सर्जरी जो प्रोसेस है वो पूरा ही गलत चल जाता है। तो जो नई सर्जरी का प्रोसीड्योर है, जो न्यू लेजर ट्रीटमेंट का प्रोसीड्योर है, उसमें क्या कुछ ऐसी सुविधा है इसको लेकर? कंटूरा लासिक मशीन पर विजुअल एक्सिस पर ट्रीटमेंट के दौरान दो ही एक्सिस पर ट्रैकिंग होती है, ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट, जबकि स्मार्ट लासिक में 7-डायमेंशनल ट्रैकिंग सिस्टम है। देखिए, जब भी मरीज की हम लेज़र करते हैं तो वो पूरी एकाग्रता से उसे हरी रोशनी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम कहते हैं, उसके बावजूद भी मरीज की आँख थोड़ी हिलती है तो लेज़र सही जगह पर केंद्रित नहीं हो पाता है और सर्जरी का परिणाम अच्छा नहीं हो पाता है, खास करके जिन मरीजों का हाई सिलेंडर पावर हो, यानी एक एक्सिस पर ज़्यादा पावर है और एक एक्सिस पर कम पावर है। मगर श्वाइन एमारिस लेजर सिस्टम में 7-डायमेंशनल ट्रैकिंग होती है। श्वाइन एमारिस लेजर सिस्टम में 7-डायमेंशनल ट्रैकिंग पूरी लेजर प्रक्रिया के दौरान सही केंद्रीकरण सुनिश्चित करता है, आँख के ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आँख का गोल घूमना एवं इसी तरह सर का ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट और सर के घूमने। और जो 7th डायमेंशन है वह है कि अगर मूवमेंट चल रहे हैं आँख के तो नेक्स्ट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रोफाइल को एडजस्ट करता है। और यह श्वाइन एमारिस जो लेज़र मशीन है उसकी प्रॉपर्टी है और इस मशीन के अलावा किसी भी लेज़र मशीन में यह टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो इस ट्रैकिंग की वजह से जो ट्रीटमेंट होता है वो कम्प्लीटली निर्धारित जगह पर होता है और आँख के हिलने से इस कोई भी असर नहीं पड़ता है। दूसरी मशीनों में स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन एडजस्टमेंट होता है, मगर श्वाइन एमारिस लेज़र में, यानी स्मार्ट लासिक और स्मार्ट सर्फ में, स्टैटिक एवं डायनेमिक दोनों ही साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल है। जब हम लेटते हैं तो हमारी आंखें हल्की सी घूम जाती हैं। अगर आपका सिलेंडर पावर है तो आंखों के घूमने से रिजल्ट में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। तो जब पेशेंट सर्जरी करने के लिए लेटते हैं तो लेटने की वजह से आंखें अंदर की ओर घूम जाती हैं, तो घूमने की एक्सिस को मशीन कैलकुलेट करती है और इसे कहते हैं स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन। सर्जरी के दौरान जब मरीज की आंखें घूमती हैं तो हर सेकेंड मशीन उसको कैलकुलेट करती है और इसको कहते हैं डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन। मैम, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि स्मार्ट सर्फ लेज़र में और स्मार्ट लासिक में डिफरेंस क्या है और इन दोनों टेक्नोलॉजीज को हम कैसे पेशेंट्स पर अप्लाई करते हैं? देखिए, दोनों ही टेक्नोलॉजी में, स्मार्ट सर्फ और स्मार्ट लासिक में, स्मार्ट शब्द का यूज होता है तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अंतर जानने के पहले हमको पहले ये जानना है कि समानता क्या है। दोनों ही टेक्नोलॉजी लेज़र पर आधारित टेक्नोलॉजी है। लेज़र से आपकी कॉर्निया की जो शेप है इसको हल्का सा चेंज किया जाता है जिससे आपका चश्मा का नंबर हट जाता है। दोनों ही USFDA मान्यता प्राप्त है। सर्जरी की कॉस्ट भी दोनों की सेम है। अब मैं आपको दोनों का, स्मार्ट लासिक और स्मार्ट सर्फ का, अंतर बताती हूँ। स्मार्ट लासिक एक फ्लैप बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वहीं स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी कॉर्निया की सतह पर लेजर करता है जिसे हम स्मार्ट सर्फ कहते हैं और यह फ्लैपलेस होता है। स्मार्ट सर्फ यानी लेजर सतह उपचार में कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता, जबकि और आंखों के ऊपर डायरेक्टली लेजर डाल दिया जाता है। कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है और आपका चश्मा हट जाता है। वहीं स्मार्ट लासिक में कॉर्निया पर फ्लैप बनाया जाता है और फिर फ्लैप को हम एक साइड कर देते हैं और एक साइड रख के फ्लैप के नीचे वाली सरफेस के ऊपर एक्जाइमर लेज़र हम डालते हैं और जिससे कॉर्निया की शेप चेंज होती है और चश्मा हट जाता है। लेज़र के बाद हम दोबारा फ्लैप को सही जगह पर रख देते हैं। सबसे पहला डिफरेंस यह है कि स्मार्ट लासिक में आपकी आंखों पर कॉर्निया का फ्लैप बनेगा, वहीं स्मार्ट सर्फ लेज़र में आपकी आंखों के ऊपर कोई कॉर्नियल फ्लैप नहीं बनेगा। दूसरा अंतर यह है कि स्मार्ट सर्फ लेज़र के बाद बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस एक हफ्ते के लिए लगाया जाता है। स्मार्ट लासिक में बनाया गया कॉर्नियल फ्लैप एक नेचुरल बैंडेज का इसके ऊपर काम करता है, तो सर्जरी के बाद आँखों में किसी प्रकार के एडिशनल बैंडेज की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी में चूंकि फ्लैप नहीं बनाया जाता है
तो एक हफ्ते के लिए आंखों के ऊपर बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है ताकि आंखों में धूल मिट्टी का या इन्फेक्शन से बचा जा सके, आंखों को बचाया जा सके धूल मिट्टी इन्फेक्शन से, और जो इपिथीलियम हमने हटाई है वह दोबारा ग्रो कर सके। तीसरा अंतर यह है कि स्मार्ट क्लासिक में रिकवरी 24 घंटे में हो जाती है क्योंकि और विजन पूरी तरह आ जाता है, लेकिन स्मार्ट सर्फ लेजर सतह उपचार में हफ्ते भर का रिकवरी टाइम लग ही जाता है, हफ्ता या दो हफ्ता का लग ही जाता है रिकवरी टाइम, क्योंकि कॉर्निया की जो ऊपर वाली सतह होती है जिसे हम इपिथीलियम कहते हैं उसको हमने हटा दिया होता है, तो इपिथीलियम लेयर जब दोबारा से पूरी तरह ग्रो कर जाती है तो उसमें एक या दो हफ्ता लग जाता है, तो उसके पूरी तरह ग्रो करने के बाद ही रोशनी अच्छी आती है। मैम, इन दोनों ही प्रोसेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, अगर आपकी कॉर्निया की जो थिकनेस है अगर वो कम है तो स्मार्ट क्लासिक नहीं हो सकता। इस कंडीशन में हम स्मार्ट सर्फ करते हैं। कुछ लोग मेडिकल क्लियर करना चाहते हैं और इस वजह से चश्मा हटवाना चाहते हैं, जैसे कि लोको पायलट, पारामिलिट्री, मरीन लाइन। इसमें भी मरीन लाइन में अभी लैसिक को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन पैरामिलिट्री में अभी भी फ्लैप टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं है। तो स्लिट लैंप पर एग्जामिनेशन जब होती है तो वो पकड़ में आ जाता है फ्लैप, तो इसलिए जो पैरामिलिट्री के लोग हैं उसमें अभी भी हम लोग स्मार्ट सर्फ लेजर करते हैं। मैम, कितने पावर तक हम स्मार्ट लासिक से और स्मार्ट सर्फ लेजर से करेक्शन कर सकते हैं? मायोपिया में स्मार्ट क्लासिक -8 डायप्टर तक हो सकता है, वही स्मार्ट सर्फ लेजर से -5 डायप्टर तक का पावर हम हटा सकते हैं। प्लस पावर में हाइपरमेट्रोपिया में +5 तक का हम स्मार्ट क्लासिक से हम हटा सकते हैं पावर, और स्मार्ट सर्फ में +3 तक का पावर हम हटा सकते हैं। रही बात सिलेंडर की, तो स्मार्ट क्लासिक से हम 4 सिलेंडर तक हटा सकते हैं और स्मार्ट सर्फ से हम 1.5 से 2 सिलेंडर तक का ही पावर हटा सकते हैं। मैम, अक्सर ही हमें सिल तकनीक का बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्मार्ट लासिक लेजर और सिल्क तकनीक में क्या बेसिक डिफरेंस है, और स्मार्ट लासिक लेजर सिल्क से बेहतर ऑप्शन कैसे है, किस अवस्था में इसे हम उपयोग करते हैं? देखिए, अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई मैसेज कन्वे किया जाता है कि सिल्क ने जितने भी चश्मा हटाने की तकनीक है सबको फेल कर दिया है, तो मेरे ख्याल से यह मैसेज बिल्कुल भी गलत है और इसको इस तरह से ना लें। कॉर्निया में ये जो कॉर्निया होता है इस पे जो एब्रेजन होता है उसका करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो सिल्क में नहीं हो सकता है। सिल्क डेफिनेटली बेटर तकनीक हो सकती है स्माइल तकनीक से, लेकिन कॉर्निया का जो एब्रेजन हम लोग मैपिंग के थ्रू एक्जाइमर लेजर से करेक्ट करते हैं वह सिल्क तकनीक से संभव नहीं है। दूसरा, जब हम लोग स्मार्ट लासिक करते हैं या स्मार्ट सर्फ करते हैं तो एक ही सेट ऑफ लेजर से हम कॉर्निया का पावर भी हटा देते हैं, नंबर भी आँख का हटा देते हैं, और कॉर्निया की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको भी करेक्ट कर देते हैं। लेकिन सिल्क में कॉर्निया के अंदर से एक लेंटिक्यूल को हम काटते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, तो इसमें 2 से 3 सेट लेज़र का यूज़ होता है, एक लेज़र यूज़ नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक लेज़र की एनर्जी कम भी है सिल्क में, तो उसमें पूरी प्रक्रिया में जो 2-3 लेज़र लगते हैं तो कुल मिलाकर के ज़्यादा लेज़र एनर्जी यूज़ होती है, जिसके वजह से आँख में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। दूसरी बात कि अगर आँख में सूजन भी हो सकती है। दूसरी बात कि अगर आपकी आँखों का पावर ज़्यादा है तो सिल्क या स्माइल नहीं हो सकता है। अगर सिलेंडर पावर है तो भी सिल्क और स्माइल नहीं हो सकता है। अगर कॉर्निया में आँखों में प्लस पावर है तो भी सिल्क और स्माइल नहीं हो सकता। सिल्क स्माइल का ही एक वर्जन है, और एक बार जब हम सिल्क या स्माइल लेजर कर देते हैं और उसके बाद अगर थोड़ा सा पावर रह जाता है तो हम दोबारा सिल्क या स्माइल आंखों पर नहीं कर सकते, कॉर्निया पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने स्मार्ट लेसिक की और मान लीजिए कुछ पावर रह गया तो हम स्मार्ट सर्फ करके हम पावर को, बचे खुचे पावर को हटा सकते हैं। यह सुविधा सिल्क या स्माइल तकनीक में नहीं है। मैम, आप हमारे जरिए दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत तरह की जानकारी मिलती है, कुछ जानकारी सही होती है, कुछ में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो बेहतर यह है कि आप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें,
अगर आपको चश्मा हटाना है तो आप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें, खास करके जिनको रिफ्रैक्टिव सर्जरी में एक्सपर्टीज़ है, और आप उनसे सभी तकनीकों के बारे में पूछिए। मगर आपकी आँखों की स्टेटस और आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपके रिफ्रैक्टिव सर्जन, आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ आपको जो सलाह देते हैं आप उसी तकनीक को करवाएं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।